नमस्ते दोस्तों, मैं सुबोध आप सभी लोगों को हैदराबाद से स्वागत करता हूँ। मैं कल ही हैदराबाद आ गया था, तो आज मैं आप लोगों को हैदराबाद की सैर कराऊंगा। वहाँ पर हैदराबाद में जो जितने भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो घूमने लायक जगह हैं, उनको मैं आपको दिखाऊंगा। तो मिलते हैं मेरे ब्लॉग में। बाय बाय। हेलो नमस्कार, मैं इस समय हैदराबाद से बोल रहा हूँ। मैं इस समय हैदराबाद के सफदरजंग म्यूज़ियम में आया हूँ। ये सफदरजंग म्यूज़ियम है, देखिए। आइवोरी कार्विंग गैलरी, हाथी दांत नक्काशी दीर्घा, हाथी दांत का कक्ष। तराशे हुए हाथी दांत, देखिए भैया हाथी के दांत कितने बड़े बड़े दांत होते हैं भैया, हाथों के तराशे हुए हाथी दांत। पेंटेड इंडियन आइवरी, ये सब हाथी के दांत से बनाए गए हैं। दीज आर द हिंदू डाइटीज जो कि हाथी दांत से ही बने हैं। हाथी दांत की चटाई, ये रामनगर यूपी 19 सेंचुरी का है। रेवा चीन और बर्मा के हाथी दांत की कलाकृति, चाइनीज एंड बर्मीज आइवरी। जैपनीज
जापानी हाथ का काम। ये सामने जो दिखाई दे रहा है औरंगजेब की तलवार, ये बहादुर शाह की तलवार, शाहजहां की तलवार। आर्म्स एंड आर्मोरी गैलरी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हैदराबाद। सो हियर इज अ स्पेक्टेकुलर व्यू ऑफ द फेमस आर्किटेक्ट बिल्डिंग ऑफ हैदराबाद, चार मीनार। ये चार मीनार का बिल्डिंग है हैदराबाद में। ये है चार मीनार का बिल्डिंग, द फेमस आर्किटेक्ट बिल्डिंग ऑफ हैदराबाद, चार मीनार। सामने चार मीनार का मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारी बॉल्स की दुकान है। This is the famous architect building of Hyderabad, Char Minar. Char Minar. This is the market of Char Minar. केक एंड बेकरी शॉप में आया हूँ, जो कि चार मीनार के बगल में एक बड़ी फेमस शॉप है।
की बड़ी मशहूर चाय है, ये माथा उस्मानी बिस्किट है। बहुत ही शानदार चाय है, कड़क चाय है और ये उस्मानिया बिस्किट है। बहुत बढ़िया। दिस इज नीमरा की पिन बेकरी शॉप, वेरी वेरी फेमस जस्ट नियर टू चार मीनार हैदराबाद। दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इमरा केफ एंड बेकरी। बिस्किट्स हैं, उस्मानिया बिस्किट्स। This is the Karachi's Osmania biscuit, the very famous biscuits confection shop of Hyderabad. Yeah, this is a Karachi Osmania biscuits. This is one of the famous biscuits of Hyderabad, and this shop is from since last 73 years. Karachi's Osmania biscuits. So, तो मैं ये बिस्किट के तीन पैकेट ले रहा हूँ साथ में। ये दिस इज फ्रूट बिस्किट्स, ट्रिपल डिलाइट। दिस इज काजू पिस्ता बिस्किट, दिस इज फ्रूट केक रस्क, दिस आर सम कुकीज, चॉकलेट कुकीज, चॉकलेट कैश्यू। ये रात का नज़ारा है चार मीनार में, सामने जो दिख रहे हैं ये चार मीनार है।
सामने सेक्रेटरीट का ऑफिस है। वाह ब्यूटीफुल, ये नया बना है सेक्रेटरीट ना। और ये सामने क्या है, येलो वाला? ये दीप है। दीप कैसा, ये कैसा दीप है? अच्छा दिया है, दिया, दिया। अच्छा ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये दिया का शेप का है बना हुआ है। ये हैदराबाद का खूबसूरत नजारा। सामने वो स्टैचू, वो लेक है, झील है, और उस लेक में बुद्धा स्टैचू बना हुआ है, वो अभी हम देखेंगे। ये इसमें मौसम बहुत बढ़िया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, एकदम प्लेजेंट है ना। तो यहाँ बारिश वगैरह भी खूब होती क्या? इस साल तो उतना ज़्यादा नहीं हुआ। इस साल ज़्यादा नहीं हुआ। अच्छा यहाँ भी ट्रैफिक की प्रॉब्लम है क्या? हाँ ट्रैफिक है। अच्छा ट्रैफिक है, ओके। 4 बजे से स्टार्ट होगा। अच्छा अच्छा जो सामने जो बिल्डिंग है इसको बोलते हैं सेक्रेटरीट, कि तेलंगाना, तेलंगाना का सेक्रेटरीट है, मतलब यहाँ के जितने भी नेता लोग हैं सब यहीं बैठते हैं। तेलंगाना में जितनी भी राजनीति होती है वो सब इधर ही होती है, सारे नेतागिरी सब इधर ही होती है तेलंगाना।
एंड दिस इज इंदिरा पार्क, इंदिरा पार्क है और ये सामने ये जो नज़र आ रहा है ये है ज्योति है, ज्योति बोले तो एक दिया, दिया के शेप में है, जैसे हम लोग मंदिर में दिया जलाते हैं ना उसी टाइप का शेप है ये बना हुआ है। देखिए ये सामने है, इसी में मैं इसी के अंदर मेरा व्यू भी नज़र आ रहा है, यहीं कहीं मैं खड़ा हूँ यहाँ से उसमें इसका व्यू मेरा नज़र इसमें आ रहा है। मेरे सेक्रेटरी का ऑफिस है, ये मेरे पीछे ये तेलंगाना मार्टिर्स मेमोरियल है। Here is a lady from Hyderabad. Ma'am, how are you? Fine, sir. Good. Please tell me about this memorial. Tell in your language, your Telugu language. This is Telangana Amaravirula Smaraka Stupa. Ante evaraithe martyrs ga unnaro mana Telangana kosam vaalla gurtuga ikkada oka divani establish chesaru. Idi mottam silver coated and paina gold coated diva untundi. ఇది తెలంగాణ అమరవీరుల స్థూపక స్మారక స్థూపం అన్నమాట, తెలంగాణ రాష్ట్ర సచివాలయం, తెలంగాణ ఫార్మేషన్ తర్వాత ఒక సెక్రటేరియట్ అంటూ బాగుండాలనేలాగా తెలంగాణ సెక్రటేరియట్ గా అది చేశారు కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఉన్న టైంలో. అలాగే పక్కనే మనకి అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ కూడా చూడొచ్చు, అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ అండ్ తెలంగాణ సెక్రటేరియట్. Thank you very much. Thank you. So this is Diya, Deepam hai ye. Iska naam hai Deepam. Thank you.
दिस इज द हुसैन सागर लेक. ये हुसैन सागर लेक है और ये देखिए सामने, एकदम सामने ये मेरा थोड़ा जूम कर दिया है. ये देखिए ये बुद्धा स्टैचू है, ठीक है. और यहाँ पर ये कुछ बोट वगैरह है खड़ी है, तो शाम को यहाँ पर बोट राइड पर आते हैं. और ये यहाँ पर एक शाम को 6:30 बजे के करीब ये लेजर शो होता है. तो आई वुड रिक्वेस्ट द पीपल जो हैदराबाद में विजिट करना चाहते हैं, दे शुड मस्ट विजिट दिस प्लेस. बट शाम को 6:30 बजे करीब आप आइए तो इस जगह यहाँ पर लेजर शो होता है. दिस इज वंडरफुल. ठीक है दोस्तों, ये अपना हिंदुस्तान का झंडा. जय हिंद, जय भारत. बिरला मंदिर जा रहा हूँ जो कि हैदराबाद का बहुत ही मशहूर मंदिर है. तो दिस द वे गोज टू बिरला टेम्पल. यहाँ पर पूरा हरा भरा है, पूरा पीली पीली है. अच्छा लोकेशन है. लैपटॉप और मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो मुझको अपना कैमरा और लैपटॉप यहाँ पर क्लॉक रूम में रखना पड़ेगा. ये सामने ये बिरला टेम्पल है. एक्चुअली इस टेम्पल के अंदर कैमरा मोबाइल लैपटॉप ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. सो मैं ये फ़ोटो यहाँ से ले रहा हूँ. ओके, सो दिस इज़ द बिरला टेम्पल ऑफ हैदराबाद. हाँ भैया, इस टेंपल के बारे में बता दीजिए. 1976 में ओपनिंग हुआ सर. अच्छा, ओके. ये मार्बल मकराना से लाए हुए हैं. अच्छा, राजस्थान मकराना है. हाँ, ओके. बिरला जी ने बनाया. बिरला जी ने कब बनाया था, कौन से ईयर में? 60s में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए. 1976 में ओपनिंग हुआ सर. ओके. बहुत बढ़िया, बड़ा खूबसूरत टेंपल बना हुआ है. 48 ईयर्स कंप्लीट हो गया अभी. 40 ईयर्स कंप्लीट हो गया. वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया. थैंक यू. नमस्कार. वो ज़्यादा जानकारी है तो मैं भी छः हो जाए. ओके बाय. थोड़ा सा अपने वो तेलुगु में बताइए. बिरला मंदिर है. ठीक है, तेलुगुला लेकपोते बिरला मंदिर. बिरला मंदिर అది ఎప్పుడు సిన్స్ చాలా గిరి బిర్లా మందిర్ చాలా సంవత్సరాల కింద కట్టారు. 48 ఇయర్స్ అయితే కట్టి 19 ఇయర్ లాగా ఓపెన్ చేసారు. చాలా ఫేమస్ ఓల్డ్ ఫేమస్ టెంపుల్ బారే అక్కడ గణేష్ ఉంటారు. అక్కడ గణేష్ టెంపుల్, శివుని టెంపుల్, ఇది హనుమంతుని టెంపుల్. మీద మెయిన్ టెంపుల్ వచ్చేసి వెంకటేశ్వరుడు ఉంటాడు. ఇక్కడ అక్కడ విగ్రహం ఫోటో ఉంది, అదే ఫోటో అక్కడ ఉంటది మెయిన్ టెంపుల్ దగ్గర. ఇది పూర్వకాలంలో కట్టింది. ట్యాంక్ బండ్ అప్పటి ఎప్పటి నుంచి ఉందో అప్పటి నుంచి అది అప్పటి నుంచి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ.
So this is the another view of Birla Temple from my hotel. ये देखिए बिरला टेम्पल का व्यू है जो कि मेरे होटल से है, होटल के बालकनी से बिरला टेम्पल. Domestic. Now way to RI Airport, Hyderabad. Now way to RG Airport, Hyderabad. पूरा ऊपर ही छोड़ दे सर. हाँ ऊपर ही छोड़ देना. So बाय बाय हैदराबाद. हैदराबाद बहुत ही अच्छा शहर है. सो आई हाईली रिकमेंड टू एवरीबॉडी टू विजिट हैदराबाद. राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद है. यहाँ का एयरपोर्ट बहुत काफ़ी बड़ा है और बहुत ही अच्छा है. हैदराबाद का जो ट्रिप था वो आज खत्म हुआ है. नाउ वी आर गोइंग बैक टू वाराणसी. यहाँ पर हम लोग का वाराणसी से हैदराबाद से वाराणसी का जो टाइमिंग है वो 9:45 मॉर्निंग में है. केवल 2 घंटे का ट्रिप है फ्लाइट से.
देन बाय बाय हैदराबाद। बहुत ही अच्छा लगा हैदराबाद, हैदराबाद बहुत अच्छा शहर है। बाय 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 हैदराबाद, सी यू नेक्स्ट टाइम। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, यहाँ पर भी सभी सारे जितनी भी अच्छी अच्छी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज के आउटलेट्स हैं, यहाँ भी आकर आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये कि यहाँ पर थोड़ा महंगा रहेगा। मोची शूज, सैमसोनाइट, सनग्लास हट, स्केचर्स, डब्ल्यू एच स्मिथ, काम आयुर्वेद, लास्ट हम लोग यहाँ पर आ गए हैं गेट नंबर 6 में। ये जो हमारा इंडिगो वाला फ्लाइट है, ये हमारा जहाज है जो कि वाराणसी जाएगा, हैदराबाद टू वाराणसी इंडिगो